हाय गाइस, अभी हम यहाँ पे स्टेशन पे आ चुके हैं और पीछे वहाँ पे भी व्लॉगिंग चल रही है, पर उससे हो नहीं रहा है क्योंकि इसको व्लॉग बनाना ये लड़की को दे रहा है ताकि और व्यूज आए। अभी हम आधा घंटा और है हमारी ट्रेन को आने में, सब वेट कर रहे हैं फिर निकलेंगे। पर तुम्हारा क्या कहना है, हम जा रहे तो आए थे रुकी, हम इंजॉय करेंगे वहाँ जाके, वो तो सभी करते हैं, इसके अलावा वही करेंगे। भाई इसको आता नहीं है, छोड़ो। अभी भेज के सो गाइस, अभी हम यहाँ पे स्टेशन के अंदर आ चुके हैं, प्लेटफॉर्म पे, पर ट्रेन अब तक आई नहीं है, ट्रेन का वेट कर रहे हैं। अराउंड 20 मिनट लेट है, 20 मिनट लेट है ट्रेन, तब तक आगे। सो गाइस, हमारी ट्रेन यहाँ पे आ चुकी है, अभी हम इसमें बैठने वाले हैं, फिर उसके बाद के थोड़े सिनेमेटिक शॉट। सो गाइस, वहाँ पे हमारी ट्रेन आ चुकी है, काफ़ी दूर है, तुम्हें दिख नहीं रही होगी, पर अपनी ट्रेन आ चुकी है, फिर इसमें बैठ के रुड़की पहुँचने वाले हैं। अराउंड कल सुबह 6 बजे तक पहुँचेंगे। अभी मैं यहीं पे ये एंड कर रहा हूँ, उसके बाद तुम सिनेमैटिक देखो थोड़े, फिर बीच में और ट्रेन में करेंगे, ठीक है, बाय बाय। सो गाइस, अभी हम यहाँ पे बीकानेर पहुँच चुके हैं, 1 घंटे का स्टॉप है क्योंकि हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुंच गए आधे घंटे पहले। और भी मैं यहाँ पे आइसक्रीम खा रही, कितने की आई? 40 रुपये। और भाई सब 40 केक कैसी लगी तुमको? बहुत ही मज़ेदार, अगर वैसे वर्ड यूज़ करें तो गांठ फाड़ आइसक्रीम केसर की गाइस, विमल वाली आइसक्रीम इसको डालना मत रहे भाई। यहाँ पे हम रुड़की पहुंच चुके हैं, देख सकते हो स्टेशन है, सबने फोटो शूट कर लिया। कैसा लगा तुम लोग को, कैसा रहा सफर? बहुत ही अमेजिंग जर्नी थी, रात को ये पकड़ा गया। हेलो, मैंने कॉम्प्रोमाइज करवा दिया था, फुल ऑन था, पर कोई ना, नहीं इसकी शक्ल देख के तुम्हें लगता है ये कुछ भी देख रहे हो, इसकी भोली सी कोहरा देख के, तुम्हारा कैसा रहा? कोहरा देख के भाई आनंद आ गया, ऐसा कोहरा अपने जोधपुर में तो शायद जनवरी में पड़ेगा, उसका आनंद आज अक्टूबर में ले लिया, मजा आ गया। सो गाइस, अभी इसको यहीं पे एंड करते, ब्लॉग को नहीं, अभी सीधा कैंपस दिखाएंगे तुम्हें। सो गाइस, हम यहाँ पे IIT रुड़की पहुंच चुके हैं, हमारी डेस्टिनेशन, और ये देख सकते हैं वीडियो बना रहे हैं और हम व्लॉग बना रहे हैं, वी आर सुपर रिच। ये गाइस यहाँ पे चलते हुए आ रहे हैं, देखो तुम जरा इनको, अरे जाना किधर है? वीडियो बना रहे, व्लॉग है गाइस। ये यहाँ पे 300x दिमाग लगाया इसने, ये देख सकते हो रुको ये वो मेरा भी चैनल है भाई, गाइस इसको पता नहीं है, ओए 4,500 है, 5,000 होने वाले भाई, वो 4,500 लोग देखेंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। आगे दिखा मेरे को, आगे क्या दिखाऊं तुम बताओ चिराग, आगे क्या बताएं? रुड़की की खूबसूरती, जैसे कि तुम्हारा कहना है क्या, समझ रहे हो यार, खूबसूरती सांस देखो, अपने MBA में तो इतनी नहीं है खूबसूरती, हरियाली की बात हो रही है, हरियाली की बात हो रही है, जगह हरियाली है यार बहुत। मुझे भी लंबी हाइट चाहिए ना, तो बैग गाइस, ये छोटे हाइट वाले की प्रॉब्लम देख रहे हो तुम, इनसे बैग नहीं उठाए जाते पर पूरा भर लेते हैं, खाली है, खाली है फिर भी नहीं उठा तुझसे। अरे मैं उनकी तरह कह रही हूं, सो गाइस तुम यहाँ पे हॉस्टल्स देख सकते हो कितने खूबसूरत है, यहाँ पे चिराग तुम्हें हॉस्टल कैसे लग रहे हैं यहाँ के? ये बेचारा रहता है खंडर से हॉस्टल में और यहाँ पे देख के खुश हो रहा है, ये हॉस्टल है हमारा तो जेल है, बट यहाँ जन्नत है,
गाइस एक शो आता था करिश्मा का, करिश्मा, उससे नाम उठा लो अब इसका। मैं अभी दो तीन जने रह गए। सो गाइस यहाँ पे दो तीन जन ब्लॉग में रह गए थे, दो तीन क्या बहुत। इन लोग ने कंप्लेन की कि हमको भी ब्लॉग में आना है, तो अभी हमने वापस ब्लॉग स्टार्ट किया है, सिनेमेटिक भी निकाले थोड़े। हर्ष भाई अभी इधर आ, तुम क्या कहना चाहोगे, रुड़की कैसा लग रहा है तुम्हें? कंपैरिजन नहीं करना, यूट्यूब आएगा, एमबीएम वाले भी देखेंगे। गर्ल्स मर रही है मेरे ब्लॉग में आने के लिए, रुको। बोलो क्या बोलना चाहोगी ऐसे जी? आज विशाखा ने कुत्ता देखा, अपना भाई देख लिया उसने। तो इस लड़की की बात सुननी नहीं है, इस लड़की की बात सुननी नहीं है। बोलने दो लाउड बोलना थोड़ा। कैंपस काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ज्यादा ही अच्छा। पर वेदर बहुत ज्यादा ठंडा है, वैसे बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है, नॉर्मल है। गर्मी हो रही है गाइस, यहां पे गर्मी हो रही है। और गाइस इन लोगों ने जैकेट पहन रखे, गर्मी हो रही है इन लोगों को। दोगला बंदी देख रहे हो गाइस तुम इनकी। बोलो मिठाई बोलो। तो ये है देखो, ये सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, काफी लोग उससे दिखा ना, काफी पब्लिक आ गई है। ये देखो गाइस पब्लिक पीछे कितनी आई है, पब्लिक ही पब्लिक है गाइस। ये चेतना है, देखो इंट्रोड्यूस करो सबको। हेलो गाइस, लो इधर आओ गाइस, ये भी रह गई। हेलो गाइस, हम लोग रह गए बहुत पीछे। नाउ इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। मैंने इनको मैंने इंट्रोड्यूस किया गाइस, मुझे इनके नाम नहीं पता इसलिए इनको बोल रहा हूं। मैं जैनी गाइस, हम इसको जानते नहीं है कौन है गाइस। देख रहे हो अननोन लोग, फेमस लोग के साथ व्लॉग में आना चाहते हैं। सो गाइस देवी और सज्जनो, मैं अभिजीत सिंह राजपुरोहित और प्रणव ब्रह्मा के साथ इस IIT रुड़की कैंपस में अभी हम खोज कर रहे हैं मल्टी एक्टिविटी सेंटर की, जो अभी तक हमने मिला नहीं है। हम दो राउंड काट चुके हैं पूरे कैंपस के, और अभी उम्मीद है मैं दिख रहा है मुझे, और थोड़ा बहुत टाइम मेरा ले रहे हैं, आपने सेल्फी ले रहे हैं, मैं गेस नहीं कर पा रहा हूँ। आपका ही वीडियो हो रहा है, आपका ही ले तो बहुत एक्साइटेड है हम आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अभी जो इवेंट्स होने वाले हैं यहाँ पे वो कल से शुरू हैं, और हम उम्मीद करते हैं वहाँ। जब कल से शुरू है तो आज क्यों है, इतना जल्दी आगे क्या कर रहे हो? क्योंकि अकोमोडेशन का इशू रहता है दोनों दोनों भाई। अच्छा, बिल्कुल होटल में रह लेते। होटल में रह लेते तो नहीं, आपको टाइम की बर्बादी करनी थी, कॉलेज नहीं जाना था आपको, ऐसा बोलो। अरे होटल में जाने कितनी एमबी मतलब, अरे कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो हम वहीं पे एक हमसे करा लेते हैं, कंट्रोवर्सी से दूर रहेंगे गाइस, वो वाला पार्ट म्यूट कर देंगे, वरना अभिजीत के लिए कॉलेज में दिक्कत हो जाएगी। तो उसमें कैस करना होगा मैंने क्या कहा, क्योंकि आपको साइन देगा नहीं कि मैंने क्या कहा, क्योंकि कंट्रोवर्सी में आने का वो गाइस वो काफी लिटरली कंट्रोवर्सियल हो जाता है इसका, और क्या बताऊं मैं कुछ बोलूंगा नहीं। सो गाइस ये हमारी डेस्टिनेशन आ गई है IIT रुड़की में, जहाँ पे हम स्टे होने वाले हैं। तुम यहाँ पे अंदर देख सकते हो कितना क्या कहते हैं उसको, भीड़ा है, क्राउड देख रहे हो गाइस। सो गाइस अभी हम यहाँ पे आए कैंटीन में खाना खाने और थोड़ी चाय वाय लेने। जितेंद्र क्या खा रहे हैं हम लोग? हम खा रहे हैं आलू पेटीज और चाय, और यहाँ पे लोग छोले कुलचे ले जा रहे हैं, अभी छोले कुलचे हो गए ना। सो गाइस अभी हमने यहाँ पे पैटीज कहाँ गई हमारी, ये पैटीज लिए, चार चाय सुबह रुड़की में एंजॉय कर रहे हैं कैंटीन में, और आलू पेटीज चाय और रुड़की। तो आप उस फोटो के निकाल दो, अभी शुरू हो गया था पर छोड़ो इसको गाइस, ऐसे ही रॉ डाल देंगे हम। सो गाइस यहाँ पे अभी हम कैंपस का टूर कर रहे हैं, पीछे यहाँ का मेन वो डेस्टिनेशन है IIT रुड़की में देखने लायक, थॉमसन करके कुछ नाम है इसका, जेम्स थॉमसन बिल्डिंग। जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे सारे HOD रहते हैं, सारे डिपार्टमेंट के, और डीन अपना सारा काम यहीं से करते हैं। सारा काम धाम यहीं से होता है, और यहाँ पे नीचे राइट साइड में चलते हैं, यहाँ पे भी है अच्छा खासा। गोवा में
सिनेमैटिक शॉट है यार। और गाइस यहाँ पे एक शॉट ले रहे थे, वही लड़की बीच में आ गई क्योंकि इसको फोटो खिंचानी है पहले। ये देखो, इसको मैं अभी बोलूंगा मेरे ऐसे फोटो ले, मेरे नहीं लेगा पर उसकी ले रहा है ऐसी फोटो। गाइज हमें यहाँ पे हमारा मेरा चल रहा है अभी रिकॉर्डिंग, तेरा नहीं हो रहा। गाइज अभी हमें हमारा रूम मिल चुका है, रूम तो नहीं मिला है, हॉल मिला है जिसमें हम सबको एकदम ठूस के रखा जा रहा है अकोमोडेशन के नाम पे। ज़्यादा बोलेंगे नहीं कुछ, ऐसा ऐसा हम सामने हम दिखाते हैं जहाँ पे हमारा स्टे है 3 से 4 दिन का। ये देखो गाइस, क्या राजीव भवन नाम है ना। हेलो हेलो गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार आईआईटी रुड़की से, क्योंकि हमारा जो मेन प्रोग्राम है कल से शुरू होगा। आज हम 13 तारीख को पहले आए अकोमोडेशन वो सब क्लेम करने, और उसी में सबकी लग गए। कितने 2 बजे तक मिला था मैंने दिलवाया, इसने करवाया, क्योंकि हम तो आलसी, हमको कोऑर्डिनेटर वाले काम नहीं करने थे। इसकी हालत देख के भी इसको, तेरे को क्या लग रहा है, तेरे को करना चाहिए था कोऑर्डिनेटर वाला काम? छोड़ यार, मतलब इसको हमको ही पता, इसको कट कर ये रहेगा। और यहाँ पर जो है, और गाइस ये जो अंदर ग्राउंड है यहाँ से तुम्हें इतना दिखेगा नहीं, पर यहाँ पे कल सनम का कॉन्सर्ट है, परसों है दर्शन रावल का, तो तुम्हारा भाई दोनों लाइव कॉन्सर्ट एंजॉय करेगा। तुम नो लाइफर्स सिर्फ स्ट्रीम देखते रहना, गान हो रहा अपनी जिंदगी में। सो गाइस यार लव लोग, यहाँ पे अभी हम थोड़ा उसको कट करते फिर सीधा हरिद्वार के तुम्हारे बस में जो बैठेंगे उसके थोड़े शॉट्स, उसके बाद के नो आइडिया कैसे होगा तुम देख लेना। सो गाइस अभी हम यहाँ पे तैयार व्यार होके हरिद्वार की गलियों घूम रहे हैं। लगाती है भाई। हाँ बोलो गाइस, मैं प्रणव का दोस्त हूँ, हम आज हरिद्वार में घूमने जा रहे हैं और इसका व्लॉग आप जरूर देखना। वैसे घूमना इधर मतलब एक नए एडवेंचर ढूंढ रहे यार, मतलब मजा नहीं आ रहा। जिंदगी क्या है कि कॉलेज लाइफ है, क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, ये मेरा भाई है, वापस ये मेरा भाई है, ये मेरा बहुत ज्ञान देगा, पूरी वीडियो में ज्ञान ही ज्ञान देगा। गाइस तुम्हें पता है मुझे ऐसे भारी ज्ञान की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम वेरी ज्ञानी पर्सन विद। इसका पैर दिखा, पैर क्या इसके पैर में। तो गाइस अभी हम हरिद्वार घूमेंगे, थोड़ी देर तक खाना भी खाएंगे, हमने काफी टाइम से खाना नहीं खाया। हाय गाइस, तुम क्या कहना चाहोगे, कैसा जा रहा है सफर हरिद्वार का? बहुत अच्छा लग रहा है, हरिद्वार की गलियों में घूमने को मिल रहा है, बहुत अच्छी लग रहा है। ये है मेरे दोस्त जो कि मेरे साथ रात को हरिद्वार की गलियों में घूम रहे हैं। ये एक और व्लॉग बन रहा है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो दो व्लॉगर, कॉम्पिटिटिव व्लॉगर्स गाइस, पर हमको कोई बीट नहीं कर सकता, इवन यू नो ये छोटी हाइट वाले कुछ नहीं कर पाएंगे हमारा। सो गाइस यहाँ पे हम रेस्टोरेंट में आ चुके हैं हरिद्वार में, और ये यहाँ पे मेन्यू में डिसाइड हो रहा है हमको क्या खाना है। काफी टाइम तो तुम्हें काफी हजारों लोग देखने वाले हैं। सुबह काफी मुश्किल से एक हमें अच्छा खासा रेस्टोरेंट मिला है, हम देखेंगे क्या ऑर्डर करना है, क्या खाना है। गाइस यहाँ पे हमें काफ़ी मुश्किल हो रही है रेसिपी डिसाइड करने, काफ़ी कंफ्यूजन है। गौरव तुम्हारा क्या विचार, क्या खाना चाहिए? मेन्यू तो दिखाओ पहले।
मैंने ही नहीं देखा। देखो गाइस ऐसा है कि खाना हमें मतलब फास्ट फूड बहुत खा लिया है हमने, तो हमें क्या है अच्छा सेटल खाना खाना है, मतलब पेट को वो जरूरत पड़ रही है। और दूसरा अब से ब्लॉग हमारा भाई प्रणव नहीं मैं बनाऊंगा, तो आप मेरे साथ ब्लॉग में, दिस स्टोरी इज माइन नॉट प्रणव, प्रणव अब जरा वो ब्लॉग मैं बना रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। अगले कुछ पार्ट्स मैं होंगे, मैं रहूँगा। ये हमारे एक और नए ब्लॉगर जो उभरते सितारे हैं हमारे जितेंद्र जी परियार, मेरे आज नए मित्र बने हैं और इनसे मिलकर हमें बहुत प्रज्वलन फील हो रहा है कि मतलब बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। नहीं बहुत अच्छे व्यक्ति है ये, बहुत सीधे व्यक्ति लगे मेरे को, कदा इन बोल मैं भाई आपकी प्रणव जी ब्लॉग में गालियाँ वगैरह आप अलाउ करते हो? देखिए ये पारिवारिक ब्लॉग होने वाला है, कॉलेज के लोग भी देखेंगे। हाँ तो हमारे बीप कर देंगे, तो हमारे गले को बीप किए जाए रखेंगे। क्या है का हम जो है वो थोड़ा गाली बोलने में तेज है। नहीं 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 ऐसी बात है, हम ऐसे शब्दों को हम प्रयोग नहीं करते, पर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। इसके ब्लॉग पर आ जाना 4-5 हज़ार इसके में बेंच गिर जाते भी गलती से नहीं बताई बेंच 1,60,000 भाई। ये हमारे नेता जी है चिराग संके जी, फ्यूचर नेता ऑफ हमारे MBM और ये हमारे 5-star ब्लॉगर जो जो मतलब इनका चैनल का नाम म्यूजिक विद टेस्ट, म्यूजिक विद टेस्ट को आप जरूर फॉलो कीजिए। आपका जो छोटा सा सपोर्ट है वो हमारे लिए बहुत बड़ा होने वाला है। बोल एक बार जीमो सा। तो गाइस हमने यहाँ पे थोड़ा भी हमारा इंटरेस्ट यूज किया यूट्यूब के सब्सक्राइबर वाइबर, जिससे हमें थोड़ा डिस्काउंट मिला है। हम दोनों ने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके देख रहे हो, तुम्हारे भाई इन्फ्लुएंसर बन रहा है, डिस्काउंट ले रहा है हरामी पंता करके। अभी हम जा रहे हैं आगे घाट पे, वहाँ पे एकदम मस्त पानी किनारे बैठेंगे, एंजॉय करेंगे। तो अभी तुम सीधा भाई उसी का सीन देखोगे। अभी हम यहाँ पे घाट पे पहुँच चुके हैं, सब फोटो वोटो भी ले रहे हैं, आप जैसे पीछे देख सकते हैं अगर दिख रहा हो तो। करवा चौथ भी, और हाँ आज करवा चौथ भी है, तो सब शादीशुदा लोग जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलिब्रेट, वो चांद भी दिख गया है। व्रत तोड़ लो गाइस, हमारे तो कोई है नहीं तो कौन ही व्रत तोड़ेगा। अगर कोई मेरे किसी का रस हूँ तो यू कैन मैसेज मी, मना नहीं करूँगा। फोटो सेशन चलते हुए काफी भयंकर वाला यहाँ। स्वाति तुम व्रत तोड़ रही हो? मैंने व्रत ही नहीं रखा। झूठ स्वाति, जो सुबह तुमने खाना नहीं खाया तो तूने नहीं खाया खाना। गाइस यहाँ पे सब कुंवारे तो नहीं है पर किसी ने व्रत भी नहीं रखा है। अकोमोडेशन का वेट और भी बहुत कुछ, इसके बाद सीधा है, इसके बाद कहीं और जाना है क्या हमको या सीधा रूम? कल सुबह मिलते 5 बजे। कल सुबह सीधा हर की पौड़ी घाट जाएंगे, गंगा पूजा होती है तब वापस शुरू करेंगे।